हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मैकेनिकल क्लासेस बाय स्वाति। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ एक न्यूमेरिकल। ओके, ये न्यूमेरिकल जो है वो बेस है पेल्टन व्हील टर्बाइन के बारे में। लास्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस किए कुछ फॉर्मूला वर्क डन ऑफ द पेल्टन व्हील टर्बाइन और हाउ टू कैलकुलेट द हाइड्रोलिक एफिशिएंसी ऑफ द टर्बाइन, उसका फॉर्मूला भी हम लोगों ने डिराइव किए थे। ओके, तो इस वीडियो में हम उसी के बेसिस पर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ऐसे न्यूमेरिकल्स दोस्तों सेमिस्टर में आते हैं, आपको पूछे जाते हैं ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिए, मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली जो भी मैं वीडियोस बनाऊंगी उसका नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल में पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और ये सॉल्व करते हैं ये न्यूमेरिकल। ओके, देखिए दोस्तों जब भी आपको पेल्टन व्हील टर्बाइन का कोई भी प्रॉब्लम्स आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो पहले आप वेलोसिटी ट्रायंगल डायग्राम को ड्रॉ कर लीजिएगा। ओके, हियर आई हैव ड्रॉन द वेलोसिटी ट्रायंगल डायग्राम ऑफ द पेल्टन व्हील टर्बाइन। ओके, आफ्टर दैट ओनली यू विल रीड द क्वेश्चन। ओके, सी नाउ वी आर रीडिंग द क्वेश्चन, दैट इज ए पेल्टन व्हील हैज ए मीन बकेट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। अभी हमें क्या करना है कि गिवेन कंडीशंस को पहले लिख देना है दोस्तों। गिवेन कंडीशंस को हम पहले लिखेंगे। अभी देखिए दोस्तों गिवेन कंडीशंस हमारा क्या क्या है, ठीक है। तो ए बकेट स्पीड, द बकेट द पेल्टन व्हील इज हैविंग द बकेट मीन स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। बकेट स्पीड मतलब रनर जो घूम रहा है, रनर का आउटर पेरिफेरी में जो बकेट और जो वेन्स है वो लगे रहते हैं और उनका स्पीड कितना दिया हुआ है, 10 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। सो यू इज इक्वल टू यू वन इज इक्वल टू यू टू, एज यू नो वेरी वेल दैट द वेलोसिटी ऑफ द बकेट एट इनलेट एंड आउटलेट दे आर सेम। सो यू इज इक्वल टू यू वन इज इक्वल टू यू टू इज इक्वल टू हाउ मच गिवेन, 10 मीटर पर सेकेंड इज गिवेन इन द क्वेश्चन। ओके, नाउ नेक्स्ट, विथ ए जेट ऑफ वाटर फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 700 लीटर पर सेकेंड, 700 लीटर पर सेकेंड जेट ऑफ वाटर इज फ्लोइंग विथ अ रेट ऑफ हाउ मच, 700 लीटर पर सेकेंड दिया हुआ है क्वेश्चन में। ओके, सो क्यू इज इक्वल टू गिवेन 700 लीटर पर सेकेंड। अभी ये लीटर पर सेकेंड है हमारा, तो हमेशा जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हमें क्या चाहिए सिंप्लीफिकेशन के लिए, मीटर क्यूब पर सेकंड में चाहिए। ये तो लीटर में है तो अभी हमें क्या करना है उसको कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करेंगे 700 लीटर पर सेकंड को मीटर क्यूब पर सेकंड में, कैसे कन्वर्ट करते हैं दोस्तों, इसको डिवाइड कर दीजिए आप, डिवाइडेड बाय 1000 कर दीजिए तो क्या होगा आपका 0.7 मीटर क्यूब पर सेकेंड, राइट, ये आपको मिल गया। फिर क्या दिया हुआ है, अंडर ए हेड ऑफ 30 मीटर, अंडर ए हेड ऑफ 30 मीटर, दैट मीन्स द नेट हेड ऑफ द टर्बाइन इज हाउ मच, 30 मीटर। ओके, 30 मीटर इज गिवेन इन द क्वेश्चन, राइट। द बकेट डिफ्लेक्ट द जेट थ्रू एन एंगल ऑफ 160 डिग्री, तो बकेट इज डिफ्लेक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 160 डिग्री, दैट मीन्स हियर दिस एंगल इज गिवेन टू यू, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इज गिवेन टू यू हाउ मच, 160 डिग्री। Angle of deflection is given how much? Try to understand this, friends. Angle of deflection जो दिया हुआ है वो क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है दोस्तों, 160 डिग्री दिया हुआ है टोटल एंगल वन की, फिर ये टोटल एंगल क्या है 180 डिग्री है, यहां से एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन दे दिया है 160 डिग्री, तो ये एंगल कितना होगा, 20 डिग्री होगा, 180 माइनस 160 डिग्री। ओके, 180 माइनस 160 डिग्री कितना होगा, 20 डिग्री, तो ये एंगल मुझे कितना मिला, 20 डिग्री। ये एंगल जो है ये एंगल उसके साथ बराबर होगा, ये जो 20 डिग्री है ये फाई के साथ बराबर होगा, तो आपका फाई क्वेश्चन में एक्चुअली दे दिया है कितना, 20 डिग्री। आपको समझ में आया कि एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन कितना दिया हुआ है आपका क्वेश्चन में, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इज गिवेन टू यू 160 डिग्री, इसका मतलब ये जो एंगल है ना ये दे दिया है आपको 160 डिग्री, तो ये एंगल कितना होगा, 180 माइनस 160, दैट इज 20 डिग्री। ओके, तो ये एंगल जो है इसके साथ बराबर होगा, फाई के साथ बराबर होगा। ओके, सो फाई इज इक्वल टू 20 डिग्री, राइट। तो अब हमें क्या करना है कि क्या क्वेश्चन में दिया है, क्या फाइंड आउट करना है हमें, कैलकुलेट द पावर गिवन बाय वाटर टू द रनर। हमें क्या कैलकुलेट करना है, पावर कैलकुलेट करना है। ओके, अनदर थिंग वी नीड टू कैलकुलेट इज हाइड्रोलिक एफिशियंसी, हमें हाइड्रोलिक एफिशियंसी की भी कैलकुलेशन करना है। और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी इज गिवन टू यू हाउ मच, 0.98। कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी इज गिवन टू यू, दैट मीन्स सीवी इज गिवन टू यू 0.98। ओके,
सीबी इज ऑल्सो गिवेन इन क्वेश्चन हाउ मच 0.98. यू हैव टू एज्यूम दैट कोफिशियंट ऑफ वेलोसिटी इज हाउ मच 0.98. तो अब हमें वेलोसिटी ट्रायंगल डायग्राम है जो जो कंडीशंस गिवेन है वो भी हमें तो दोस्तों अभी हमें फिर कुछ फॉर्मूला अप्लाई करना है अभी. तो कौन सा फॉर्मूला दोस्तों अब हम अप्लाई करेंगे, देखिए हमें पहले क्या निकालना है, V1 को निकालना पड़ेगा. ओके अभी देखिए वर्कडन का फॉर्मूला दोस्तों क्या है, वर्कडन का फॉर्मूला क्या है हमारा वहां पर हम लोगों ने डिराइव किए थे रो ए V1 VW1 प्लस VW2 इंटू यू. ओके ये फॉर्मूला है. तो इस ये फॉर्मूला को हमें सॉल्व करने के लिए मतलब वर्कडन पर सेकेंड दिस इज योर पावर. ओके सॉरी पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर सेकेंड इज इक्वल टू ये फॉर्मूला हमें डिराइव करके ये फॉर्मूला मिला था दोस्तों. ओके पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर सेकेंड विच इज इक्वल टू रो ए V1 VW1 प्लस VW2 इंटू यू. लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए हमें कुछ अननोन जो है VW1 क्या है VW2 क्या है ये सब वैल्यूज हमें चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए. तो वो हमें कैसे मिलेगा अभी देखिए दोस्तों VW1 जो है वो V1 के साथ बराबर है. आपको पता है कि यहाँ पर देखिए ये जो वेलोसिटी ट्रायंगल डायग्राम है ना वहां पर V1 जो है वो VW1 के साथ बराबर है. अगर दोस्तों आप वेलोसिटी ट्रायंगल का जो वीडियो आपने नहीं देखे तो वो वीडियो जाके जरूर देखिए, वो मेरे प्लेलिस्ट में है टर्बाइन में, आप ढूंढेंगे तो मिलेगा आपको बना में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दे दूंगी. आप एक बार जाके देखिए दोस्तों ये वेलोसिटी ट्रायंगल डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं, वरना ये जो छोटी छोटी चीज है ना वो आपको कंफ्यूजिंग लगेगा. यहाँ पर क्या होता है दोस्तों V1 जो है वो VW1 के साथ बराबर है. तो मैं क्या करूंगी अब मैं क्या इंटरेस्टेड हूँ फाइंड आउट करने के लिए, मुझे ये टर्म का वैल्यू चाहिए और ये टर्म का वैल्यू चाहिए राइट. तो ये दोनों टर्म को मैं कहां से लाऊंगी अभी फॉर्मूला हमारा क्या पास क्या है, V1 जो है वो VW1 के साथ बराबर है और V1 इज इक्वल टू CV इंटू रूट ओवर ऑफ 2GH. ओके CV इंटू रूट ओवर ऑफ 2GH इसका फॉर्मूला है. लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे कि ये फॉर्मूला जो है दोस्तों आपको याद रखना है. CV तो आपको दिया हुआ है, CV का वैल्यू आपको दिया हुआ है, अज्यूम करने के लिए बोला गया है कि क्वेश्चन में कि आपको 0.98 लेना है राइट. और फिर 2 इंटू रूट ओवर ऑफ 2 इंटू जी के बदले में मैं लिख सकती हूँ 9.81 मीटर. ओके 9.81 ले सकती हूँ जी का वैल्यू इंटू हेड. हेड इज गिवेन हाउ मच इन क्वेश्चन, हेड तो कितना दिया हुआ है 30 मीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में. ओके 30 मीटर दिया हुआ है. ओके 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये 30 मीटर है. तो इसको क्या करूंगी मैं सॉल्व करूंगी अभी इसको आप कैलकुलेटर में सॉल्व करोगे. ओके इसको आप जब कैलकुलेटर में सॉल्व करोगे तो आपको कितना मिलेगा दोस्तों 23.77 मीटर पर सेकंड मिलेगा, 23.77 मीटर पर सेकंड मिलेगा राइट. ये हो गया आपका V1, मतलब हमें VW1 की अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि V1 जो है VW1 के साथ बराबर है और ये कितना आया 23.77 मीटर पर सेकेंड राइट. अभी दोस्तों अब क्या निकालना है हमें, देखिए दोस्तों इस ये जो थोड़ा वेलोसिटी ट्रायंगल डायग्राम को आप गौर कीजिए, ये V1 जो है दैट इज इक्वल टू U1 प्लस VR1. ओके V1 इज इक्वल टू U1 प्लस VR1, इसका मतलब क्या हुआ कि VR1 इज इक्वल टू V1 माइनस U1. ये फॉर्मूला आपको पता है राइट. अभी देखिए V1 जो है पूरा ये जो V1 है वो किसके साथ बराबर है, U1 और प्लस VR1 के साथ बराबर है. ओके दैट आई हैव रिटन V1 इज इक्वल टू U1 प्लस VR1, सो VR1 इज इक्वल टू V1 माइनस U1. ये फॉर्मूला है, अभी मैं बता रही हूं इसके बाद में क्यों कर रही हूं. देखिए अगर स्मूथ ब्लेड हो, ये बात मैंने आपको बताई थी पहले भी कि स्मूथ ब्लेड्स हो या फिर स्मूथ बकेट्स हो तो फिर क्या होता है कि रिलेटिव वेलोसिटी एट द इनलेट इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी एट द आउटलेट VR2. ओके VR1 ओके VR2 VR1 इज इक्वल टू VR2, रिलेटिव वेलोसिटी एट द इनलेट इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी एट द आउटलेट. ओके इतना चीज आपको अभी पता है. अब मैं क्या करूंगी, अभी मैं क्या इंटरेस्टेड हूं, मेरा तो VW1 मैंने निकाल दिए. ओके अगर मैंने निकाल दिए तो अब मैं क्या इंटरेस्टेड हूं VW2 को फाइंड आउट करने के लिए. तो VW2 को मैं कैसे फाइंड आउट करूंगी दोस्तों, ये थोड़ा भाई अभी आप वेलोसिटी ट्रायंगल डायग्राम आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है,
कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ना तो वेलोसिटी ट्रायंगल डायग्राम अगर नहीं समझे है तो आप प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं कर सकोगे। पहले आपको वेलोसिटी ट्रायंगल डायग्राम को बहुत ही अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, यहां पर मैं अभी VW2 में इंटरेस्टेड हूं। देखिए मैं कुछ फॉर्मूला, अभी छोटा सा एक फॉर्मूला अप्लाई करूंगी। देखिए cos phi इज इक्वल टू बी बाई एच, सो cos phi इज इक्वल टू बी दैट इज बेस इज इक्वल टू योर दिस बेस टोटल बेस दैट इज U2 प्लस VW2। ओके, सो cos phi इज इक्वल टू U2 प्लस VW2 डिवाइडेड बाय H हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस इज हाउ मच? VR2। cos phi क्या है, मेरा फॉर्मूला क्या है, cos का फॉर्मूला बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है मेरा U2 प्लस VW2, H क्या है मेरा VR2। यही फॉर्मूला को मैंने अप्लाई किया है, राइट? तो इससे मुझे क्या मिलता है कि U2 प्लस VW2 इज इक्वल टू VR2 cos phi, राइट? तो मेरा VW2 कितना होगा, VR2 cos phi माइनस U2। ये फॉर्मूला मुझे मिल रहा है, VW2 इज इक्वल टू VR2 cos phi माइनस U2, ये फॉर्मूला मुझे मिल रहा है। अब मैं क्या करूंगी दोस्तों, मेरा VR2 कितना है वो मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ। कैसे फाइंड आउट कर सकती हूँ? अभी मुझे क्या करना है, ये फॉर्मूला से वैल्यू को पुट अप करना है और मुझे VW2 का मतलब वैल्यू चाहिए मुझे। तो मैं कैसे निकालूंगी दोस्तों, पहले मैं क्या करूंगी, VR1 का वैल्यू निकालूंगी। और VR1 जो है VR2 के साथ बराबर है तो मुझे VR2 मिल जाएगा। और U1 जो है U2 वही है और U वही है, क्योंकि U जो है वो ब्लेड की वेलोसिटी है, ब्लेड वेलोसिटी एट इनलेट इज इक्वल टू ब्लेड वेलोसिटी एट आउटलेट इन केस ऑफ पेल्टन टर्बाइन। तो मेरे पास तो सारे वैल्यू है, बस फाइंड आउट करना है मुझे। चलिए शुरू करते हैं, VR1 का वैल्यू पहले निकालते हैं। VR1 का वैल्यू क्या होगा मेरा, VR1 का वैल्यू निकालेंगे। तो VR1 का वैल्यू क्या होगा, VR1 इज इक्वल टू V1 माइनस U1। V1 मेरा कितना है, V1 कितना निकला है, 23.77 मीटर पर सेकेंड, दैट आई कैन राइट। माइनस U1 तो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, U1 कितना क्वेश्चन में दिया हुआ है दोस्तों, 10 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है क्वेश्चन में। ओके, इसको मैं सॉल्व करूंगी, इसको सॉल्व करूंगी तो कितना आएगा मेरा, 13.77 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। सो VR1 इज हाउ मच गिवेन, 13.77 मीटर पर सेकेंड हमें आ गया, ये इतना VR1। VR1 जो है VR2 के साथ बराबर है, हो गया। तो अब मैं क्या करूंगी कि वैल्यू पुट अप करूंगी, मतलब VW2 इज इक्वल टू क्या मिला है था हमें, VW2 इज इक्वल टू VR2 cos phi माइनस U2। सो VR2 विल बी हाउ मच, 13.77 cos phi, phi हमें कितना मिला है, 20 डिग्री मिला है। ओके, माइनस U2 कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, U2 कितना दिया हुआ है, 10 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, सो माइनस 10। तो इसको अभी आप कैलकुलेटर में सॉल्व कीजिए दोस्तों, इसको सॉल्व कीजिए। जब कैलकुलेटर में आप सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा आपको, 2.94 मीटर पर सेकंड मिलेगा। तो इसका मतलब VW2 आपको मिल गया, दैट इज 2.94 मीटर पर सेकंड मिल गया। अब बहुत इजीली हम जब ये जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला में हम पुटअप करेंगे और आंसर हमें मिल जाएगा। ओके, पावर का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, रो ए वी वन वी डब्ल्यू वन प्लस वी डब्ल्यू टू इंटू यू। ओके, ये रहा फॉर्मूला। रो वाटर की डेंसिटी कितना है, 1000 केजी पर मीटर क्यू। ओके, ए वी वन हमें क्यू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखिए दोस्तों क्यू कितना दिया हुआ है, 700 लीटर पर सेकंड दिया हुआ है, उसको हमने मीटर क्यू पर सेकंड में ऑलरेडी कन्वर्ट कर चुके हैं, दैट इज इक्वल टू 0.7 मीटर क्यू पर सेकंड, विच वी कैन सब्स्टिट्यूट इन दिस प्लेस 0.7। VW1 कितना दिया हुआ है, हम VW1 का फॉर्मूला हमने V1 निकाले थे ना, तो कितना है, 23.77 मीटर पर सेकंड निकाला है, 23.77। VW2 कितना है, 2.94 मीटर पर सेकंड। सिर्फ मैं वैल्यू को पुट अप कर रही हूँ। U कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, आपका 10 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है क्वेश्चन में। ओके, तो ये सारी वैल्यूज को मैंने सिर्फ हुआ है पुट ऑल दीज वैल्यूज करेक्टली। ओके, यू नीड टू पुट ऑल दीज वैल्यूज करेक्टली एंड यू विल गेट नाउ हाउ मच, 18186970। ओके,
186,970 न्यूटन मीटर पर सेकेंड। ये थोड़ा न्यूटन मीटर, क्योंकि ये जो आंसर हमने मिला है, ये जो भी आंसर मिला है ये जूल पर सेकेंड में मिला है, ये जूल पर सेकंड में मिला है, लेकिन हमें जूल पर सेकंड में नहीं चाहिए, यूजुअली हम किलोवाट में उसको रखते हैं। तो आप क्या करोगे दोस्तों, डिवाइडेड बाय 1000 कर दोगे, इसको डिवाइड कर दोगे 1000 में, तो कितना मिलेगा आपको, 186.970 किलोवाट में आपका आंसर आ जाएगा। ओके, किलोवाट में आपका आंसर आ जाएगा। तो ये रहा आपका आंसर। तो पहला बिट हमने इसी तरह कंप्लीट कर लिया कि हमें पावर तो कैलकुलेट हम लोगों ने कर लिए। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी को कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी को कैलकुलेट करेंगे। हाइड्रोलिक एफिशिएंसी की दोस्तों फॉर्मूला क्या है वो आपको थोड़ा याद रखना है। तो देखिए, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क डन पर सेकेंड डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ जेट पर सेकेंड। ओके, तो वर्क डन पर सेकेंड का वैल्यू कितना है हमारा, रो ए वी वन वी डब्ल्यू वन प्लस वी डब्ल्यू टू इंटू यू। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द जेट का वैल्यू कितना है, हाफ इंटू रो ए वी वन इंटू वी वन स्क्वायर। तो ये रो ए वी वन तो कैंसल हो गया, तो अब मेरा क्या मिलेगा हमें, टू यू वी डब्ल्यू वन प्लस वी डब्ल्यू टू डिवाइडेड बाय वी वन स्क्वायर। ओके, फॉर्मूला हमें सब कुछ तो पता है। ओके, हमें सब कुछ पता है, तो इसमें सिर्फ मैं क्या करूंगी, अभी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करूंगी। ओके, वैल्यू को सिर्फ सब्स्टिट्यूट करूंगी, 2 इंटू यू का वैल्यू हमें कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 10 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। ओके, 10 वी डब्ल्यू वन, वी डब्ल्यू वन की वैल्यू कितना है हमारा, वी डब्ल्यू वन की वैल्यू क्या है क्वेश्चन में, हम लोगों ने क्या फाइंड आउट किए थे, 23.77। ओके, वी डब्ल्यू टू का वैल्यू कितना है, 2.94। ओके, इंटू यू, ओके यू आई हैव मल्टीप्लाइड डिवाइडेड बाय वी वन स्क्वायर। वी वन कितना दिया हुआ है, 23.77 स्क्वायर। ओके, इसको आपको सॉल्व करना है दोस्तों, इसको आपको सॉल्व करना है कैलकुलेटर में। ओके, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको कितना मिलेगा दोस्तों, 0.9454। अगर आप उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 94.54% तो ये रहा आपका आंसर दोस्तों। ओके, आई होप आपको इस वीडियो में सीखने को मिला होगा कि कैसे आप पेल्टन व्हील टर्बाइन का प्रॉब्लम कैसे इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। कुछ डाउट्स हो दोस्तों तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछिए, मैं आपकी डाउट्स को क्लियर करने की पूरी से पूरी कोशिश करूंगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिए और मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, यहां पर ही एंड करती हूं मैं वीडियो को, फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन बाय।